हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चंपा की कटिंग कैसे लगा सकते हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि चंपा की कटिंग सक्सेसफुली कैसे लगती है। मुझे करीबन 2 साल हो गए हैं चंपा का ग्रो करते हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कटिंग से ग्रो किया था मैंने और मेरे जो पीछे सारे चंपा के पौधे लगे हैं कुछ 10-12, ये भी मैंने सारे कटिंग से ग्रो करे हैं। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आप सक्सेसफुली कैसे लगा सकते हो चंपा की कटिंग। मैंने भी कुछ गलतियाँ की है और गलतियों के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वैसे आपको कटिंग लगाते हुए सबसे पहले करना है, आपने कोई भी चंपा का पेड़ देखना है और आपने कटिंग ले लेनी है, कम से कम इतनी बड़ी, ये कुछ 8 इंच की, 8 या 9 इंच की कटिंग है, आपने ले लेनी है काट के और उसके सारे पत्ते निकाल देने हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पॉट की, या कि आपको किस पॉट में चंपा लगाना चाहिए। तो गाइस, सबसे बढ़िया पॉट चंपा लगाने के लिए ये साइज़ है, जैसे आप देख सकते हैं ये साइज़, या फिर आप ये भी ले सकते हैं, कुछ 4 या 5 इंच का पॉट है, सबसे बेस्ट है ये, ठीक है। और गाइस, जो गलती आपने नहीं करनी चंपा लगाते हुए वो ये कि हम क्या करते हैं, जो गलती मैंने भी की है कि एक 10 इंच का पॉट लेते हैं हम इतना बड़ा, उसमें हम चंपा की कुछ 3-4 कटिंग लगा देते हैं। तो वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आपका चंपा ग्रो हो जाएगा और 3-4 कटिंग उसमें लगी हुई है, तो 3-4 महीने बाद जब पूरा रूट बॉन्ड हो जाएगा, तो आप जब उसको निकालोगे तो उसकी रूट मतलब उलट जाएगी सब में, तो और निकालना फिर मुश्किल हो जाता है चंपा को और आपका प्लांट मर भी सकता है। ये गलती मैंने भी करी है, ये गलती मत करना आप, मतलब सिंगल पॉट में एक कटिंग लगाना तो बेस्ट रहेगा ये। तो गाइस, अब बात करते हैं कि मिट्टी हमें किस सॉइल में चंपा ग्रो करना चाहिए। तो ये है सैंड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बालू मिट्टी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको लेने का क्या फ़ायदा है, और क्योंकि इसमें जो है पानी बिल्कुल बैठता नहीं है, जैसे आप पानी डालते हैं और इसमें वैसे ये पूरा ड्रेन कर देता है पानी को, और चंपा के पौधे को वो ही पसंद है कि उसके पॉट में जो है पानी बिल्कुल खड़ा ना हो। अगर पानी खड़ा होगा तो चंपा की कटिंग गल जाएगी, 100% गलेगी। तो इसलिए ही सैंड सबसे बेस्ट है। अगर आप गार्डन सोइल लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो है सैंड ज़रूर मिक्स कर लेना, 50% गार्डन सोइल एंड 50% सैंड। अगर आप वैसे गार्डन सोइल को अवॉइड करो तो ही बेस्ट है, आप सैंड ही लो चंपा को लगाने के लिए, जैसे कि है। तो मैं ले रहा हूँ आज थोड़ी सी सैंड, 80% सैंड एंड 20% कंपोस्ट ले रहा हूँ, ये पत्तों की खाद है। अगर आप कंपोस्ट नहीं भी लेना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन मिल जाता है मिट्टी को और ग्रोथ में थोड़ी सी हेल्प करता है। अगर आप नहीं लेना चाहते ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सैंड भी लगा सकते हो। अगर आप ले लोगे थोड़ा सा बेनिफिट आपको और मिल सकता है। तो गाइस, हम क्या करेंगे, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे पूरा अच्छे से। वैसे मुझे हाथ से करने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये मिक्स हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब हम इसको मिट्टी को पॉट में डालेंगे। तो मैंने पॉट फिल कर लिया मिट्टी से, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, चंपा की कटिंग लूँगा और उसको कम से कम इतना 2 से 2.5 इंच मिट्टी में दबा दूँगा, इतना, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है। अब ये रेडी है ग्रो करने के लिए, बिल्कुल रेडी है। ये पत्ते मैंने नहीं काटे अभी, मैं पत्ते इसके काट दूँगा सारे। अब बात करते हैं गाइस वाटरिंग की। तो गाइस, अगर बात करें वाटरिंग की कि हमें कितना पानी डालना है चंपा की कटिंग में, तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा, कुछ इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अगर आपकी मिट्टी मॉइस्चर है, अगर आपकी मिट्टी में मॉइस्चर है मतलब नमी है मिट्टी में, तो आपको पानी नहीं डालना। और अगर आपकी मिट्टी ड्राई है तो आपको पानी डालना है कटिंग में। आपको मैं एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ ड्राई और मॉइस्चर में, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी कुछ मैंने कटिंग लगा रखी है, इसकी मिट्टी अभी मॉइस्ट है, देख सकते हैं काफ़ी नमी है, गीली है, आज बारिश हुई थी, तो अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगा, ये सारी कटिंग मॉइस्ट है। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया इसमें तो कटिंग गल सकती है गाइस, और चंपा को थोड़ा कम ही पसंद है पानी, तो आप
हो सके तो थोड़ा इसको ड्राई छोड़ना। अगर एक दिन पानी नहीं डालोगे इसमें कटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि अच्छा ही रहेगा। और अगर आपकी कुछ मिट्टी इस टाइप की दिख रही है एकदम ड्राई, तो आपको पानी ज़रूर डालना है। जैसे ये देख सकते हैं एकदम ड्राई है ये, तो इसमें ज़रूर पानी डालना है, वरना कटिंग ख़राब भी हो सकती है। बात करते हैं कि चंपा के पौधे को लगाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो गाइस मेरे हिसाब से चंपा को लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है फरवरी या मार्च, क्योंकि क्या होता है कि उस समय गर्मी की शुरुआत होती है, समर सीज़न शुरू होने वाला होता है। और चंपा गर्मी का पौधा है और चंपा फुल पीक पे होता है ग्रोथ करने की। तो फरवरी मार्च मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सीज़न है चंपा को लगाने के लिए। वैसे आप कभी भी लगा सकते हो चंपा को। मैंने एक पौधा अक्टूबर में भी लगाया था, वो अब पिछले साल लगाया था अक्टूबर में, और इस साल मार्च में वो इतने फूल दिए उसने और इतना बड़ा हो गया, वो अभी भी चल रहा है। तो आप वैसे तो कभी भी लगा सकते हो गर्मी में। सर्दियों में अवॉइड करना, जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी आप अवॉइड करना, क्योंकि इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, इसमें चंपा ग्रोथ नहीं करता। अगर आप इस पॉट में लगाते हो तो इस पॉट में ग्रोथ कितने महीनों में हो जाएगी, मतलब रूट बाउंड कितने महीने में हो जाएगा ये, तो आप आगे शिफ्ट कर पाओ किसी बड़े पौधे में। तो इस पॉट में अगर आपने लगाया है, तो इस साइज़ के पॉट में आपने लगाया है, तो मेरे हिसाब से 3 महीने में इसको पूरा रूट बाउंड हो जाना चाहिए। 3 महीने में रूट बाउंड हो जाना चाहिए, और आप इसको 3 महीने बाद किसी बड़े पॉट में 10 इंच के या फिर 12 इंच में आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो बड़े आराम से, तो वो आगे फर्दर अपनी ग्रोथ बढ़ा सकता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और चंपा के पौधे को कैसे लगाते हैं आपको थोड़ी नॉलेज मिली होगी।